हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और यह है मेरा ईमेल आईडी suhailkhan786.sk@gmail.com। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेटिंग कैसे की जाती है सीसीएनए पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेटिंग में तीन तरह की नेटिंग होती है। एक होती है ओवरलोड नेटिंग, जिसको हम पैट कहते हैं, एक होती है डायनामिक नेटिंग और एक होती है ओवरलोड नेटिंग। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज ओवरलोड नेटिंग। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको नेटिंग करना है तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरह से सिंपल टोपोलॉजी पे आप लोग नेटिंग करोगे। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला या तो जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप स्टेप्स भी लिख सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छा होगा बाद में। तो सबसे पहली चीज, एक मिनट, सबसे पहली चीज आप लोग ये करोगे कि आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी वाली नेटिंग करना है। तो आपको जो भी नेटिंग करना है उसके लिए ये सेम टोपोलॉजी ही वर्क करेगी। जैसा फर्स्ट मुझे भी तीनों नेटिंग करना है, तो तीनों भी नेटिंग मेरा यही सेम टोपोलॉजी पे होगा। तो सबसे पहली चीज आप ये टोपोलॉजी बना लीजिए। मैं इधर पे कंप्यूटर्स ले लेता हूँ। एक, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। मैंने फाइव यूजर्स ले लिए। ये मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि टोपोलॉजी कैसे क्रिएट करना है। बिकॉज अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि टोपोलॉजी क्रिएट कैसे करना है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये वीडियो खास उनके लिए कि पता चले कि किस तरह से आपको टोपोलॉजी बनाना है। ये देखिए, मैंने अभी यहाँ पर स्विच पे क्लिक किया तो यहाँ से आपको स्विचेस मिल जाएगी, जिसमें से 2960 का हमको लेना है। कोई भी ले सकता था, बट ये वाला स्विच जो है इस पर सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म करती है। उसके बाद मैं राउटर पे क्लिक करूंगा तो राउटर के सीरीज ओपन हो जाएंगे। हम लोग 2811 वाला राउटर लेंगे। एक यहाँ पर ले लिया और एक यहाँ पर ले लिया। सबसे पहली चीज, आपको सभी पीसी के बीच में वायर कनेक्शन करना है। सो हमको पीसी से स्विच से वायर कनेक्ट करना है। अब इसके बीच में हम लोग स्ट्रेट केबल लगाएंगे, बिकॉज दे आर डिफरेंट डिवाइस। सो ये वाला जो ये लिंक का केबल है, अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो मल्टीपल लिंक्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला, अभी अगर आपको चाहिए कि बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े, तो सबसे पहले आप कंट्रोल प्रेस करो। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में आप लिंक पे क्लिक करना, तो इससे आपको बार बार लिंक सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं कैसे लेते जा रहा हूँ, अभी मुझे बार बार सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। सो इस तरह से इजी वे में आप लोग जल्द से जल्द आपका टोपोलॉजी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो इस तरह से आपका टोपोलॉजी जो है वो क्रिएट होता है। अभी स्विच टू राउटर भी मैं स्ट्रेट केबल ही कनेक्ट करूंगा। बट ये सिनेरियो में मुझे राउटर टू राउटर अगर कनेक्ट करना है तो ये 2811 सीरीज का राउटर है, इसमें बाय डिफॉल्ट सीरियल पोर्ट नहीं होता है, तो हमको इसमें सीरियल पोर्ट डालना पड़ेगा। सीरियल पोर्ट कैसे डालना है, ये आपको राउटर पे क्लिक करना है, इसका ये फिजिकल इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखो ये ऑन ऑफ का बटन है, पहले आप इसको ऑफ कर दीजिए, बिकॉज अगर आप चालू राउटर में पोर्ट डालने का ट्राई करोगे तो आपको एरर देगा कि आप चालू राउटर में वो नहीं डाल सकते पोर्ट। सो ये तरफ जो दिया मॉड्यूल्स, इसमें आपको कोई भी आप ले सकते हो। मैंने इसमें WIC2T वाला मुझे लेना है, तो आप इसको ड्रैग कर करके यहाँ लेके चले जाइए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। सेम उसी तरह से आपको दूसरे राउटर पर भी करना है। ये मैंने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद में मैं ये पोर्ट लेकर के यहाँ पर ऐड करूंगा और ये कनेक्ट कर दूंगा। स्टार्ट हो गया राउटर। अब राउटर टू राउटर मुझे सीरियल लिंक कनेक्ट करना है, तो मैं ये वाला सीरियल लिंक लूंगा। सीरियल DCE पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक हुआ सीरियल 0/3/0 और यहाँ पर आ गया। यहाँ पे भी मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं ये सीरियल 0/3/0 ले रहा हूँ ताकि हमको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अब कहाँ पे क्या IP एड्रेस देना है, मैं वो भी डिसाइड करता हूँ। ये इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, मुझे इसको IP एड्रेस देना है 10.0.0.1/8। मुझे दूसरे वाले को IP एड्रेस देना है 10.0.0.2/8। इसी तरह से मैं सबके को IP देने वाला हूँ 10.0.0.3/8, 10.0.0.4/8,
10.0.0.5/8, और इन सभी का डिफॉल्ट गेटवे कॉमन होगा जो होगा 10.0.0.100, हम लोग 100 ले लेते हैं डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.100, हमने ये ले लिया ओके /8, ये इन सभी का डिफॉल्ट गेटवे होगा। और राउटर के जो पीसी का डिफॉल्ट गेटवे होता है वो राउटर का आईपी एड्रेस होता है, तो मैं यहां पे दूंगा 10.0.0.100/8 ओके। फिर यहां अब ये इन राउटर के बीच में मैं पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करूंगा, बिकॉज नेटिंग में हम लोग पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक को कन्वर्ट करने वाले ओके। सो यहां पे मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं पब्लिक आईपी एड्रेस दूंगा, यहां पे मैं देता हूं 193.168.30.1/24, और इस बाजू में आईपी एड्रेस दूंगा 193.168.30.2/24 ओके। सो ये तो मैंने आपको बाहर से आईपी एड्रेस देके दिखा, अब अंदर से किस तरह से आईपी एड्रेस देना है ओके। तो नॉर्मल जो आपने लास्ट प्रैक्टिकल्स में किया होगा, ये मशीन्स पे गया मैं, इस पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पर गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, यहां पर जाके 10.0.0.1 टैप 10.0.0.100, इस तरह से आपको पांचों भी पीसी को आईपी एड्रेस देना है ओके। इस पे गया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, 10.0.0.2 डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.100 क्लोज किया, इस तरह से यहां पर भी देना है, डेस्कटॉप पर गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, 10.0.0.3 टैप 10.0.0.100 फिर यहां पे भी गया दिया 10.0.0.4 10.0.0.100 ओके। सेम यहां पर भी मैं जाऊंगा और इसको आईपी एड्रेस दूंगा 10.0.0.5 टैप 10.0.0.100, इस तरह से आपने मशीन को तो आईपी एड्रेस दे दिया, अब आपको राउटर को आईपी एड्रेस देना है, सिर्फ आईपी एड्रेस देना है, कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाना है, कोई स्टैटिक रूट नहीं देना, बिकॉज नेटिंग का मतलब ही नहीं हुआ। फिर तो हम लोग बिना प्रोटोकॉल के बिना स्टैटिक रूट के दो अलग अलग नेटवर्क में कम्युनिकेट करने वाले विद द हेल्प ऑफ नेटिंग, सो दैट इज वाई वी आर नॉट कॉन्फिगरिंग एनी प्रोटोकॉल और आर नॉट डूइंग एनी स्टैटिक राउटिंग ओवर हियर ओके। सो यहां पर हम लोग सिर्फ आईपी एड्रेस देंगे, ये आपका स्टेप नंबर वन है, सिर्फ आईपी एड्रेस। अभी यहां इसका फास्ट इथरनेट 0/0 है, यहां इसका सीरियल इंटरफेस 0/3/0 है। फास्ट इथरनेट 0/0 को मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.0.0.100, सीरियल को मैं आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.30.1। तो मैं सीएलआई पे क्लिक किया, यस और नो का आएगा ओके। मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखो अगर आपको फॉन्ट बड़ा करना होगा तो कहां से करोगे, ऑप्शन में जाओगे, प्रेफरेंस में जाओगे, यहां पे फॉन्ट आपको मिलेगा, फॉन्ट में हम लोग यहां से फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, मैंने 14 कर दिया, यहां पर अप्लाई कर दो, तो आपका जो फॉन्ट पहला जो छोटा दिख रहा था अब आपको बड़ा दिखाई देगा ओके। ये देखो साइज बदल गया फॉन्ट का ओके। तो मैंने किया नो, अनेबल, ये मैं कॉन्फिग मोड में आ गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में गया, दिया आईपी एड्रेस 10.0.0.100 सबनेट मास्क 255.0.0.0, एंटर किया, नो शटडाउन। मैं यहाँ पे फास्ट इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीजें आपको पहले से ही मालूम है, तभी आप नेटिंग के वीडियो तक का आए हो ओके। अगर आप मेरा बेसिक प्रैक्टिकल का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने यही चीजों को एकदम स्लो तरीके से बताया। फिर यहाँ पे आप हो गया इंटरफेस, यहाँ से आप हो जाओगे एग्जिट, फिर इंटरफेस सीरियल 0/3/0 में गया, वहां दूंगा आईपी एड्रेस 193.168.30.1/255.255.255.0, एंटर, क्लॉक रेट 64,000, नो शटडाउन। ये क्लॉक रेट का जो फंडा है, क्लॉक रेट वहां दी जाती है जहां पे डीसी ही इंटरफेस होता है, बट मैं अक्सर दोनों भी जगह बता देता हूँ क्लॉक रेट देना चाहिए, बिकॉज कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ देना है, तो अगर आपने इसे दूसरे बाजू दे भी दिया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा,
तो दोनों जगह आपको देना है तो दोनों जगह दे दो, बट इट इज रिकमेंडेड टू गिव ऑन डीसीई इंटरफेस। दो तरह के इंटरफेस होते हैं, डीसीई और डीटीई। जो डीसीई होता है वहां पे क्लॉक रेट कॉन्फिगर किया जाता है, और जो डीटीई होता है वो कस्टमर एंड पर होता है, वहां पे क्लॉक रेट कॉन्फिगर नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से मैंने सिर्फ आईपी एड्रेस दिया हूं और कुछ नहीं किया हूं। ओके, अब मैं इसको राइट करके सेव कर देता हूं। आपको प्रिविलेज मोड पर जाना है और यहां पर राइट कमांड दे करके ये हो गया सेव। अंडरस्टैंड? सेम उसी तरह से हमको दूसरे राउटर पे सिर्फ आईपी एड्रेस देना और कुछ नहीं करना है। नो राउटिंग प्रोटोकॉल, नो स्टैटिक रूट, सिर्फ आईपी एड्रेस। इस पर क्लिक किया, सीएलआई में गया, वहां पर लिखा नो। ओके, वहां पर लिखा नो, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 में गया, दिया आईपी एड्रेस, दिया आईपी एड्रेस 193.168.30.2/255.255.255.0। एक मिनट, यहां पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, 168 था ये, 68 लिखा मैंने, 255.255.255.0। एंटर। यहाँ क्लॉक रेट नहीं भी दूंगा तो चलेगा, बट मैं दे रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। तो क्लॉक रेट 64,000 और ये हो गया नो शटडाउन। तो इससे आपने ये सीखा कि टोपोलॉजी कैसे बनाना। अभी तक हमने नेटिंग कॉन्फिगर नहीं किया, तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि टोपोलॉजी क्रिएट किस तरह से की जाती है। ओके, सो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा कि टोपोलॉजी क्रिएट कैसा करना है। सो नेटिंग का टोपोलॉजी आप इस तरह से क्रिएट करो, ये एकदम सिंपल टोपोलॉजी, एकदम से सिंपल। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने देखा कि टोपोलॉजी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अभी आप लोग देखोगे कि नेटिंग ऐसा कॉन्फिगर की जाती है, बट नेटिंग कॉन्फिगर करने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दूं कि क्या डिफरेंस होता है। अभी तक मैंने नेटिंग कॉन्फिगर नहीं किया हूं, ना ही मैंने कोई प्रोटोकॉल चलाया हूं, ना ही कोई स्टैटिक रूट दिया हूं। तो 10.0.0.1 से अगर मैं पिंग करना चाहूं 193.168.30.2 को तो नहीं होगा, बिकॉज ना इनके बीच में कोई रूट ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। पिंग 193.168.30.2 नहीं होगा, बिकॉज इनके बीच में कोई रूट ही नहीं है। ओके, जब तक आप कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाओगे, जब तक आप कोई स्टैटिक रूट नहीं दोगे तो ये पिंग नहीं होगा। बट हम लोग बिना प्रोटोकॉल चलाए या बिना स्टैटिक रूट दिए हम लोग यहां पे नेटिंग के मदद से इन दोनों में कम्युनिकेट करवाएंगे। ओके, यहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका आईपी ट्रांसलेट हो करके वहां पर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ओवरलोड नेटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, ओवरलोड नेटिंग बाय सुहेल खान, सीसीएनए। आपका सीसीएनए का प्रैक्टिकल है, मैं बना रहा हूं, मेरा नाम सुहेल खान। ओके, तो हम ये वाले राउटर पे, हमारे राउटर पर जाएंगे, यहां पर सीएलआई में जाऊंगा। सीएलआई में जाने के बाद में मैं सबसे पहला ग्लोबल कॉन्फिग मोड में आ जाऊंगा, अनेबल कॉन्फिग टी। ग्लोबल कॉन्फिग मोड में आने के बाद में अब मैं नेटिंग कॉन्फिगर करने जा रहा हूं। तो पहला आप कमांड दोगे आईपी नेट, मतलब आईपी नेटिंग करना है और आपको एक पूल बनाना पड़ेगा, आईपी नेट पूल, और एक पूल को नाम देना पड़ेगा। तो पूल को नाम मैं देता हूं सुहेल, ये पूल का नाम है। ठीक है, आईपी नेट पूल सुहेल। अब मुझे क्या बोलना है कि कोई भी अगर आएगा तो उसको तू एक ही आईपी बना करके भेज। तो अगर कोई भी आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये 10.0.0.1.2.3.4.5 कोई भी अगर आएगा मेरे राउटर के पास में, तो मेरा राउटर उसको कन्वर्ट करेगा 30.1 में। अब वो 10.1 आएगा तो भी उसको 30.1 में ही कन्वर्ट करेगा, 10.2 आएगा तो भी उसको 30.1 में ही कन्वर्ट करेगा। उसी तरह से अगर पांचों भी आएगा तो उसको 30.1 में ही कन्वर्ट करेगा। तो मुझे उसको बोलना है कि अगर कोई भी आए तो उसको तू 30.1 में ही कन्वर्ट करेगा। ओके, तो मैं क्या इधर पे लिखूंगा कि मैंने लिखा आईपी नेट पूल और पूल को नाम दे दिया सुहेल।
इसके बाद में आपको वो आईपी डिफाइन करना पड़ेगा जो कन्वर्ट होने के बाद होने वाला है। तो इस सिचुएशन में वो आईपी है 193.168.30.1 स्पेस 193.168.30.1। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी अगर आए तो उसको 30.1 से लेकर के 30.1 बना के भेज, मतलब 30.1 ही बना करके भेज। अगर मेरे पास कोई रेंज होती तो मैं रेंज देता, जैसा 30.1 to 30.255, बट यहां कोई रेंज नहीं है, यहां पे जो भी आएगा वो एक ही आईपी बन करके जाएगा, इसीलिए मैंने एक ही दिया यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां पर। तो कोई भी आएगा तो उसको 30.1 से लेकर के 30.1 बना के भेज, मतलब 30.1 ही बना करके भेज, अंडरस्टैंड? ठीक है। उसके बाद में उसका मास्क देना पड़ेगा, तो स्पेस नेट मास्क 255.255.255.0, ओके एंड एंटर। ये मैंने अभी कॉन्फिगर कर दिया कि कोई भी आएगा तो उसको यहां से यहां बना करके भेज। सेकंड लाइन में हम लोग लिखेंगे ओके आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट ओके स्पेस वन। मैं आप उसको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। वन पूल आईपी नेट इनसाइड सोर्स वन पूल सुहेल ओके ओवरलोड। ये कमांड से मैंने अपने राउटर को बोला कि राउटर जो भी आईपी एड्रेस एक्सेस लिस्ट वन में है, अब वन क्या लिखा, वन एक्सेस लिस्ट का नंबर है। अगर मैं एक्सेस लिस्ट 10 नाम से बनाता नंबर से तो 10 लिखता, क्योंकि मैं वन बनाने वाला हूं इसलिए मैंने वन लिखा। तो मैं ये कमांड से बोल रहा हूं कि राउटर जो भी आईपी एड्रेस एक्सेस लिस्ट वन में है उसको तू मैच कर, और अगर वो मैच होता है तो ही उसको तू नेटिंग करके ट्रांसलेट कर और पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर, अदरवाइज मत कर, बिकॉज कोई भी आईपी आएगा तो वो थोड़ी ना नेट हो जाएगा, ये कंपनी का नेटवर्क है हमारे, तो यहां पे कोई भी आके कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जिसे हम अलाउ करोगे वो ही ट्रांसलेट होगा। तो मैं उसे ये कमांड से बोल रहा हूं कि जो भी आईपी एड्रेस एक्सेस लिस्ट वन में होगा उसे मैच कर, अगर वो मैच होगा तो उसकी नेटिंग करना, अदरवाइज मत करना, ओके? तो ये दो कमांड आपने दिया। अभी आपको एक एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट वन परमिट करो, एक्सेस लिस्ट वन परमिट करो 10.0.0.0.255.255.255 एंटर। अब मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाया, एक्सेस लिस्ट में मैंने ये बोला कि एक्सेस लिस्ट वन, जैसे ही मैंने एक्सेस लिस्ट वन लिखा मतलब मैं अपने राउटर को बोल रहा हूं कि राउटर मुझको स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना है। तो उसने बोला ठीक है क्रिएट तो करना, लेकिन करना क्या है? तो मैंने कहा मुझे परमिट करना है, क्या करना, परमिट करना। उसने बोला किसको, मैंने बोला 10 नेटवर्क को, 10 नेटवर्क को, और इधर पे मैंने वाइल्ड कार्ड मार दिया, मतलब 10 नेटवर्क में जितने भी होस्ट है सभी को परमिट कर। तो इससे क्या होगा, 10 नेटवर्क से कोई भी आईपी एड्रेस अगर आएगा तो ये नेटिंग उसको मैच करेगा, मैच करने के बाद उसको कन्वर्ट करके उसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके आपका एक्सेस मिल जाएगा, ओके? ये अभी आपने नेटिंग कॉन्फिगर किया। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा पोर्ट, इनसाइड पोर्ट एंड आउटसाइड पोर्ट। तो हम लोग ये सिचुएशन में जो हमारा फास्ट इथरनेट पोर्ट है ये इनसाइड पोर्ट होगा, और जो सीरियल पोर्ट है ये आउटसाइड पोर्ट होगा, ये सीरियल पोर्ट जो है वो आउटसाइड पोर्ट होगा, ठीक है? तो मैं गया कॉन्फिग मोड में, लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। आपको आईपी को डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा आईपी एड्रेस 10.0.0.100 255.0.0.0। इस आईपी एड्रेस को आप डिफाइन करोगे कि आईपी नेट इनसाइड, और आप हो जाओगे एग्जिट, ओके? ये आपने फास्ट इथरनेट को दिया। अभी आप सीरियल को दोगे, इंटरफेस सीरियल 0/3/0, इसके अंदर आप आईपी एड्रेस दोगे आईपी एड्रेस
193.168.30.1 स्पेस 255.255.255.0 एंटर आईपी नेट आउटसाइड एंटर। ये आपने नेटिंग कॉन्फिगर कर लिया। ओके इसको मैं सेव कर देता हूं। राइट ये हो गया सेव। फाइन अभी मैं आपको नेटिंग करके दिखाता हूं। अब जब मैं पिंग करूंगा तो हो जाना चाहिए। अब मैं 10.0.0.1 पे गया, पहले जब मैंने पिंग किया था तो नहीं हुआ था। ये देखो ये पहले का आउटपुट है। ओके अभी वापस से हम लोग पिंग करते हैं एंटर। ये देखो रिप्लाई आ रहा है। दिखा बिना प्रोटोकॉल कॉन्फिगर किए, बिना स्टैटिक रूट दिए हुए, विद द हेल्प ऑफ नेटिंग मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं पांचों पीसी से भी इसको पिंग करूंगा बिकॉज मुझे आपको नेटिंग का आउटपुट दिखाना है। ओके तो मैं सभी मशीन से जाकर के उसको पिंग करूंगा। फर्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट में गया, पिंग 193.168.30.2। ओके ये बार बार टैप ना करना पड़े इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सीधा। ठीक है यहां से भी रिप्लाई आ रहा है। ओके सब पीसी से सबसे पहले आप लोग पिंग करके चेक कर लेना, उसके बाद ही वो आपका आउटपुट दिखाएगा। बिकॉज जब उसने कुछ किया होगा तो ही आउटपुट दिखाएगा ना। अक्सर लोग पहले ही नेटिंग चेक करने लगते हैं, जब उसने कुछ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट किया ही नहीं है तो आउटपुट दिखाएगा कहां से। तो पहले उसको ट्रांसलेट करने दो, उसके बाद में आप लोग आउटपुट चेक करना। ओके देखो सब जगह से रिप्लाई आ रहा है मुझे। ठीक है तो पांचों के पांचों पीसी से मुझे रिप्लाई आया है। अब मैं अपने राउटर पर जाकर चेक करूंगा। कमांड है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। क्या है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन? शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ये देखो ट्रांसलेशन पूरा वो दिखा रहा है। सबसे पहली चीज जब आपने ये कमांड दिया शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, मतलब आपने अपने राउटर से कहा कि राउटर तूने क्या क्या ट्रांसलेट किया है वो मुझे बता। तो वो आपको सारे ट्रांसलेशन दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि प्रोटोकॉल जो आपने यूज किया है, प्रो मतलब प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो आपने यूज किया वो है आईसीएमपी। पिंग जो है वो आईसीएमपी एको पैकेट सेंड करता है इसलिए उसने आईसीएमपी वहां पर लिख के रखा हुआ है। फिर इनसाइड, अच्छा सबसे पहली चीज इसमें आप कंफ्यूज हो रहोगे, इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल एंड आउटसाइड लोकल। सबसे पहली चीज इनसाइड लोकल मतलब क्या? इनसाइड लोकल मतलब वो आईपी एड्रेस जो ट्रांसलेट होने से पहले था। उसके बाद इनसाइड ग्लोबल मतलब वो आईपी एड्रेस जो ट्रांसलेट होने के बाद बना। फॉर एन एग्जाम्पल ये वाले सिचुएशन में ये 10.0.0.1 ट्रांसलेट होने से पहले 10.0.0.1 है तो इनसाइड लोकल होगा 10.0.0.1, लेकिन ये ट्रांसलेट होने के बाद में बन गया 193.168.30.1 तो ये हो जाएगा इनसाइड ग्लोबल। सेम उसी तरह से आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल भी होता है। अभी ये वाला जो आईपी है 193.168.30.2 ये तो ट्रांसलेट होने से पहले भी 30.2 ही था और ट्रांसलेट होने के बाद भी 30.2 ही है तो इसको कहेंगे आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल। तो आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल ट्रांसलेट होने से पहले भी वही होगा, ट्रांसलेट होने के बाद भी वही होगा बिकॉज यहां कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन हमारे राउटर पर हो रहा है। तो यहां पर अभी आप देखोगे तो समझेगा आपको। सबसे पहला इनसाइड लोकल मतलब 10.0.0.2 जो था वो पहले 10.0.0.2 था लेकिन उसको कन्वर्ट होकर इनसाइड ग्लोबल में 193.168.30.1 कर दिया। ओके सेम उसी तरह से अगर आप आउटसाइड लोकल देखोगे तो 30.2 ही था, ट्रांसलेट होने के बाद भी वो 30.2 ही है बिकॉज वहां कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। ये एक चीज आप देख रहे हो, देखो ये पोर्ट नंबर है 1.1 ये दिख रहा है, ये पोर्ट नंबर है, ये सारे पोर्ट नंबर है जो जब उसने इसको कन्वर्ट किया 10.0.0.2 को जब उसने कन्वर्ट किया तो उसके आगे पोर्ट नंबर दे दिया 1 और जिस आईपी में कन्वर्ट करा उसके आगे भी दे दिया पोर्ट नंबर 1 क्योंकि जो भी आ रहा है वो एक ही आईपी बन के जा रहा है तो मेरा राउटर कंफ्यूज ना हो इसीलिए उसने एक पोर्ट नंबर दे दिया। इसीलिए ओवरलोड नेटिंग को पैड भी कहा जाता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके सो इस तरह से आपका जो ओवरलोड नेटिंग है वो काम करता है।
इस तरह से आपका ओवरलोड नेटिंग काम करता है। ओके, तो ये हमारे प्रैक्टिकल में हमने सीखा कि किस तरह से मल्टीपल यूजर जिनको प्राइवेट आईपी एड्रेस है उनको पब्लिक में कन्वर्ट करके किस तरह से आप पब्लिक नेटवर्क पे पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटिंग, बिना कोई प्रोटोकॉल चलाए, बिना कोई स्टैटिक रूट दिए हुए। तो ये था आपका स्टैटिक नेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।